my god खुद हु व वरह सामीन जैसा कि आपने मुलाजा कर भी लिया है आज हमारा मौजू है जो हमारे गैर आमदी दोस्त दलाल पेश करते हैं उन दलायल में से का रद्द और जो हतमत के हवाले से खासकर उनके दलायल होते हैं जिस मौजू को बुनियाद बनाकर जमात अहमदिया की सबसे ज्यादा मुखालफत की जाती है उनके ऊपर सबसे बढ़ बढ़ के कुफर के फतवे लगाए जाते हैं आज उसी मौजूद को लेकर हम आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुए हैं और उसमें हमारा मकसद यही है कि ये जो दावे करते हैं ये जो ऐलान करते हैं ये जो फितना फसाद बरपा पैदा करने की कोशिश करते हैं उस मुकदमे को जरा आवाम के सामने तो रखें जरा किताब अल्लाह पे क्यास करके तो देखें कि किताब अल्लाह हमारे हक में है या इनके खिलाफ है देखें तो सही कि कुरान क्या कहता है नाजरीन हमेशा से जमाते अहमदिया की ये कोशिश रही है कि अपने अकायद को कुरान करीम के ऊपर क्यास करें हाँ के उस के एन मुताबिक जब तुम किसी बात को पाओ किसी की तरह मनसूख पाओ तो उसे किताब अल्लाह के ऊपर क्यास करो उसके मुआफ पाओ तो कबूल करो उसके खिलाफ पाओ तो छोड़ दो अहमदिया पहले दिन से यही अकीदा रखती है और हमेशा यही अकीदा रखती रहेगी कराम, आज मैं जिस असल मौजू खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ उसमें जो आयत हमारे मुखालफिन की तरफ से पेश की जाती है और उस आयत का एक हिस्सा पेश किया जाता है पूरी आयत भी नहीं एक हिस्से को पेश करके जो सरादा से ताल्लुक रखती है

और तासुर ये देने की कोशिश करते हैं कि दीन मुकम्मल हो गया अब दीन के अंदर ना कोई कमी हो सकती है ना बेशी हो सकती है कोई नबी आएगा तो वो नया दीन लेके आएगा कोई आएगा तो इस हिस्से को का इनकार होता है तो उस हिस्से के लिए मैं अपने बड़े ही बोज दोस्त जरी भाई से गुजारिश करूंगा कि वो इस आयत के ऊपर जो हमारे मुखालफिन की तरफ से इस्तलाल बांधे जाते हैं या वो कोशिश करते हैं कि जिससे ये साबित करें कि आइंदा किसी किस्म का कोई नबी नहीं आ सकता क्योंकि दीन मुकम्मल हो गया तो क्या अम्बिया की का मकसद सिर्फ दीन मुकम्मल करना है या जो अल्लाह ताला ने दीन भेजा है उसकी तरफ लौटाना भी है तो उस हिस्से के लिए मैं जरी भाई से गुजारिश करूंगा कि हमारे सामीन के सामने इस बात को वाजे रखें और उनके उस दजल और मकर की

अम्मा फौजी बसमीम सामीकर वरम वक्त आज आपके सामने मैं कुरान करीम की आयत की आयत नंबर चार जिससे ये ख़त्म नबूत की दलील देते हुए ये बात बयान करते हैं कि अब नबी करीम सलम के बाद कोई नबी नहीं आएगा जब हम इनसे तशरियात पूछते हैं जब हम इनसे वजुहत पूछते हैं जब हम इनसे अकीदा पूछते हैं तो फिर उस अकीदे को ट्विस्ट करते हुए साथ ये एक लफ्ज की इजाफत कर देते हैं जी आप कोई नया नबी नहीं आएगा हम इनसे इस बात की दिल पूछते हैं जी आपने नया नबी नहीं आएगा नए की जो लफ्ज की इजाफत आपने निकाली है ये आपने अरबी लफज किस लफ्ज से निकाली है जिसका तर्जमा नया बनता है तो उसमें ये बड़े पंक्चर लगाने की कोशिश करते हैं बड़ी जनाब के ट्यूब को सीने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हम आवास में भरे लेकिन जब पंक्चर लग जाए तो वह किसी न किसी जगह से लीक दोबारा हो जाता है मैं उनदी अहबाब से ये दरख्वा करता हूँ जो ये समझते हैं कि इस आयत मुबारक में जो अभी आपके सामने मोहतरम अनीसरहमान साहब ने तरावत की है और अभी मैं भी आपके सामने रखता हूँ और उसके ऊपर गफ्तु करूँगा अगर कोई गारदी समझता है कि ये इस आयत के ऊपर वो खत्म नबूत को समझा सकता है तो वो मैदान में आए और इसके ऊपर आके दलील दे और दरयल अगर उनके पास आए तो उसके ऊपर दरअल का अंबार लगाए क्योंकि खतम नबूत के हवाले से ये कहते हैं कि हमारे पास सौ से जायद आयातें कुरानियाँ हैं और सैकड़ों अदीसी हैं जिससे कतिकत के साथ ये बात साबित होती है कि नबूत जो है वो खत्म हो चुकी है उन सौ आयात में से जो उनके कई सौ आयात हैं उनमें से एक दो आयात पहले हम डिस्कस कर चुके हैं वह वा खातमीन वाली और दूसरी वल्लाजी का ये आयत और अब ये तीसरी आयत आपके सामने ये मल्दी इस आयत को रखेंगे और इस आयत के ऊपर हम गुफ्तु करेंगे मैंने स्ट्रीम यार्ड का लिंक शेयर कर दिया है कोई दोस्त दी आकर गुफ्तु करना चाहे तो उसके लिए ये खास मौका है वो आके अपने अकीदे का दिफा करे और वो इस बात पर दलाइल दे अगर वो अपने अकीदे में सच्चा है वो करना अपने स्ट्रीम में बैठ के बिना किसी को बुलाए और वो स्ट्रीम भी ऐसी जिसमें गालियों के तूफान और बदतमीजी हो उसमें वो बुलाते हैं उनको पता कि वहां परमदी नहीं आएगा ये ऐसी स्ट्रीमें जिसमें हम ना गाली निकालते हैं ना बदतमीजी ना बदजुबानी इसमें हम उनको दावा देते हैं जी आए और आके अपना मुद्दा रखें हम तो आपको बुलाते हैं टेबल टॉक करते हैं टेबल टॉक का फायदा ये होता है कि जब दो कर रहे होते हैं तो तीसरा बंदा जो होता है या बाकी जो सामीन होते हैं उनको समझ आ रही होती है कि किसका पल्ला दलाइल का भारी है और किसका किसका जो, किस जो पल्ला है वो कम वजनी है उसमें फिर वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं जी वाकई जमात अमदे के जो दरायल हैं या जमात अहमदे जो बात करती है या जो वाकई अहमदी बात करते हैं वो दुरुस्त है वो कुरान के बिल्कुल करीब है और कुरान से वो अदा और कुरान से इस बयान करते हैं और जो नौ नामद अपना अकीदा बयान करते हैं उसके ऊपर जो दराइल के जगरबाँध लगाते हैं वो ना कुरान से कुछ की कोई इसकी कोई तवाइद होती है ना अकल से वो तस्लीम होती है अब ये खास दावत खास दावत मुनादरा भी कह लें दावत मकालमा भी कह लें जो कुछ इसको मर्द समझें वो आएँ और आकर इसका दिफा करें अब मैं अपनी बात का बाकायदा आगाज़ करके आपके सामने वो कुरान करीम की आयतम वर्क रहा कि उस बात को चलाता हूँ मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मुझे भाई जी बता दीजिएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो हो गई तो ये मैंने स्क्रीन रख दिया, दिया जी अब ये आपके सामने मौजूद है ये सूरत है जी आयत नंबर इसकी तीन है जैसे कि मुस्लिम भाई ने आपके सामने रखा है जी जीदी कुरान करीम में आयत नंबर तीन है और जमाती कुरान करीम में आयत नंबर चार है क्योंकि हम रहीम को कुरान करीम का हिस्सा और आयत मुबारक समझते हैं इसलिए ये चौथी आयत है ये आपके सामने है इस्लाम इस दीन अब इसमें ये बात लेते हैं जी इससे मुराद ये है कि नबूत खत्म हो चुकी है नबूत खत्म क्यों हो चुकी है जी नबूत खत्म इसलिए हो चुकी है जी दीन मुकम्मल हो चुका है इसलिए दीन मुकम्मल हो गया बंदा इनसे पूछे दीन मुकम्मल होने की दलील आप उस वक्त ये बात खत्म नबूत के तौर पर पेश करें जब हमारा ये क्लेम हो जब जमात अहमदे का क्लेम हो कि हम किसी ऐसे नबी को मानते हैं जिस नबी ने एक नई नबूत दी हो एक नई शरीय दी हो एक नया दीन दिया दी हो उसके ऊपर ये आयत फिट करें जी, कुरान तो कि कुरान तका तो तक कुरान तका तक दीन मुकम्मल हो चुके हैं किसी नबी की जरूरत क्यों है किसी ऐसे नबी की जरूरत जो एक दिन में इजाफा करे या दिन में कमी करे तब ये आयत उसके ऊपर लागू करें वगरना ये आयत तो खत्म है नबूत के ऊपर जो ये अपने तय समझते हैं ये वहां पर फिट नहीं होती क्योंकि इसमें जिस चीज़ का वादा इस जिस चीज़ का बा, बात बयान की गई है वो तो दीन के मुकम्मल होने का बाद बयान की गई नबूत के खत्म होने की बात तो बयान ही नहीं की गई आप अगर ये कहे कि दीन मुकम्मल हो गया तो नबी की जरूरत क्या है मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि जब पुराने अंबिया जब शरीय मूसिया में जब अंबिया आते रहे हैं तो क्या उसमें हर नबी एक नई शरीयत लेके आता रहा है या एक कोई नबी ऐसे भी गुजरे हैं जो पिछली शरीयत को आगे चला, चलाने के लिए आए हैं या पिछली शरीयत में अगर कोई खा, वो खामी खामी खराबी हो गई है उसको ठीक करने के लिए आए हैं अब अगर ये सवाल हो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में तो कोई खामी हो नहीं सकती तो इसलिए ये गुंजाइश भी खत्म होगी कि कोई नबी आके उस खामी को दूर करेगा मैं यहाँ पे ये भी बताऊं कि ये इनकी की या इन आवाम की खाम ख्याली है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में खामी खामी तो कोई भी नहीं है किसी किस्म की कोई खामी नहीं है कोई नक्श नहीं है लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद यह बात बयान फरमाई थी कि गुमान है कि लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा जमान। ला जब इस्लाम इस्म हु। कि गुमान है कि लोगों पर एक जमाना ऐसा आएगा कि इस्लाम सिर्फ नाम कराया जाएगा वला जब कमिल कुरानी और कुरान सिर्फ रस्म के तौर पर रहा जाएगा मसाजिद आमिर खराबुदा उनकी मसाजिद बज़ाहिर तो आबाद होंगी लेकिन हदायत से खाली होंगी आगे फिर फरमाया मादी समाही की उनकी आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे फिर आगे फरमाया तखिरफित उनमें से फितने निकलेंगे और उनमें लौट जाएंगे अब इससे हदीस मारक में जिनको रिवायत करने वाले हजरत अली रजी तुआ वो ये बात बयान फरमाते रसूल करीम ने यह फरमाया कि गुमान है कि लोगों पर ऐसा जमाना आएगा कि इस्लाम नाम कराया जाएगा अब जब इस्लाम नाम कराया जाएगा लोग उसके ऊपर अमल तरम नहीं करेंगे और उसके अलावा कुरान जो है वो सिर्फ अल्फाज रह जाएंगे क्योंकि कुरान की जिम्मेदारी तो खुदा ने ले ली है तो कुरान में रद्द बदल अल्फाज को तो नहीं हो सकता लेकिन तरजे में हेर फेर कर जाते हैं और आज आपके सामने मिसालें मौजूद हैं बरेलवी मकतबा है, फिक्र करके कर लोग कहते हैं जी हमारा कुरान कंजमान जो है वो ऐसा मुसनतर्जा तर, है कि इसके अलावा आप कोई और पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है पढ़ेंगे तो गुमराह होंगे इस तरह देवबंदियों का यह मौका है कि जो लाहौरी फिर देवबंदी फिर उनकी तो है, है। जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है इसके अलावा दिग्तम है उनको पढ़ोगे तो, तो गुमराह हो जाएंगे इस तरह वहाबियों का भी यह मौका है तो सारों का मौकाफ जब ये होगा तो फिर कौन सा तर्जमा पढ़े या कौन सी तफसीर पढ़े तो इसलिए ये बिगाड़ पैदा हुआ तो इस बिगाड़ को हल करने के लिए खुदा ने एक मसीह को भेजना था जो कि भेजा अब इस आयत से वो नबूत की नफी की दरील लेते हैं जो नबूत की नफी है इसमें कोई नबी नहीं आ सकता दीन मुकम्मल हो गया अगर वो दीन मुकम्मल होने का नाम ये रखता है जी अब कोई बंदा नहीं आ सकता तो मुझे ये बताएं कि अगर दीन मुकम्मल होगा तो खिलाफत राशद का क्याम क्यों उम्र में आया तीस साल खिलाफत राशद क्यों चली उसके अलावा फिर मुजदीन उम्मत इस उम्मत में क्यों आते रहे और क्यों आते रहेंगे उसके अलावा जो ये चार इनकी आयमा है इमाम मालिक इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम मोहम्मद इदरी शाफी और इमाम मालिक ये क्यों आए हैं इनको आपने इनको अपना इमाम क्यों माना है इसके अलावा दीन मुकम्मल हो गया है तो इसमें फिर बाकी जो मुफस्सरीन आए उन लोगों ने क्यों तफसीरें लिखी हैं जब दीन मुकम्मल हो चुका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही सारा कुछ बता चुका है फिर इन मुफस्सरीन को लिखने की क्या जरूरत पेश आई खुलाफत राशिदा का क्याम क्यों अमल में आया जब दीन मुकम्मल हो गया था ये तो फिर सवाल आप पर बनता है कि आपने दीन को मुकम्मल माना है और दीन को मुकम्मल ऐसे तरीके से माना है कि इसमें किसी किस्म की कोई बिगाड़ पैदा हो ही नहीं सकता तो जब नहीं हो सकता तो ना फिर खिलाफत का बनता है ना फिर आयम अरबा का सवाल बनता है ना मुझे उम्मत का सवाल बनता है फिर जो सवाल आप हम पे कर रहे हैं वो सवाल तो आपके ऊपर भी पड़ता है कि आप एक मसीह नबील के मुंतजिर हैं आप एक मसीह नबील का इंतजार कर रहे हैं फिर आप किस चक्कर में करें दीन तो मुकम्मल हो गया वो मसीह क्या करेगा आके दीन तो मुकम्मल है उसके अलावा फिर इमामा अदी का मुंतजिर है वो इमामा के बारे में आपका ये ईमान है आपका ये ईमान का हिस्सा आप में शामिल है आप इमामदी को ना नबी मानते हैं ना रसूल मानते हैं ना किताब मानते हैं ना फरिश्ता मानते हैं ना योम यानी ईमानियात में से किसी एक चीज़ को भी नहीं मानते लेकिन फिर भी आप ये कहते हैं कि जो इमामादी का इनकार करेगा व रसुल्ला वसम का इनकार करेगा एक चीज़ जो ईमानियात में नहीं है उसके बावजूद आप उसके इंकार करने वाले को काफ़र समझते हैं तो जब दीन मुकम्मल होगा तो आप ऐसी शख्सियात के, के क्यों मुद्दई बने हुए हैं आप ऐसी शख्सियात के बारे में क्यों ये एहतिक रखते हैं कि वो आएगा तो इसलिए इस आयत में जिस चीज़ की नफी की गई है जिस चीज़ की बात बयान फरमाया गया वो सिर्फ और सिर्फ दीन के मुकम्मल होने की बात बयान की गई है अब जो मैंने आपके सामने बात रखी है जी आप मुफत क्यों मानते हैं कि मुफ्त सरीन कुरान करीम की तफसीरें लिखी हैं तो आप ये कहेंगे जी मुफत ने तो उनमें छांटी की है और सही तफसीर आपके सामने बयान की है तो मैं आपके सामने फिर ये बात रखूंगा कि मुफसर ज्यादा बेहतरीन तफसीर कर सकता है या खुदा का नबी बेहतर तफसीर कर सकते हैं हालांकि कुरान करीम की तफसीर तो नबी करीन सर हम खुद बयान फरमा चुके हैं क्या बुखारी में किताब तफसीर का नाम का बा है या नहीं है क्या मुस्लिम में किताबो तफसीर का बाप है या नहीं है क्या दीगर कुतब में किताबस का बप है या नहीं है इसके अलावा इसके क्या और जो अदीस की कुतब उनमें किताब तफसर का बप मौजूद है या नहीं है जब नबी करीम सल्ला वसलम ने कुरान की तस्रकार दी तो बाकी मुफसरीन को तफसर करने की क्या जरूरत पेश आई दिन मुकम्मल था फिर उन लोगों ने क्यों उसमें इजाफत करने की कोशिश की अगर आप ये कहें कि उन्होंने इजाफत नहीं की उसी की शरह बयान की है तो इसके जवाब में हम बड़े सादा अल्फाज में यह बात बयान करेंगे कि हजरत अकबस मिर्जा गुलाम मसाब का सलाम ने जब दावे मामूजत किया जब दावे उम्मती और गैर तशी नबी का दावा किया तो क्या कोई बंदा यह साबित कर सकता है कि मिर्जा गुलाम मसाब का सलाम ने शरीत महमदिया में किसी चीज़ की इजाफत की है या किसी चीज की कमी बयान किया कोई बंदा यह कोई बंदा यह साबित नहीं कर सकता कोई बंदा यह दलील नहीं दे सकता इस बात पे कोई बंदा इसका सबूत नहीं दे सकता हम भी ये कहते हैं मसीह अल्लाह जो आए हैं उन्होंने कुरान की तशरी बयान की है कुरान की तफसर बयान की है जो पुराने झगड़े थे जो आप लोगों में चल रहे थे हजार साल से ज्यादा चल रहे थे उस झगड़े को खत्म करके कुरान की असल तरीन आपके सामने रखी है कि ये थी, इसको आपने पैसे कुछ डाल दिया हम ये भी नहीं एहतिकात रखते हम ये भी अकीदा नहीं रखते कि नबी करीम सलम की शिरक मनसूख हो चुकी है जो उसमें रद्दो बदल हो चुका है लेकिन हम ये यकीन रखते हैं जो कि रसुल्लम ने बताया कि लोग इस्लाम को नहीं मानेंगे मुसलमान होते हुए लोग उसको ऊपर पुश डाल देंगे कुरान के होते हुए कुरान उसके अल्फाज रह जाएंगे उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे क्या आपने डेढ़ सौ साल से ये अपनी आंखों से नजारा नहीं देखा कि अब कुरान करीम सिर्फ अदालतों में कसम खाने के लिए बीवियों को जब शादी होती है बेटियों की उनके ऊपर सार के ऊपर रखने के लिए या कई जगह पे तो इतनी बाद रसूम निकलेंगे कि तो कुरान करीम से शादी तक कर दी जाती है क्या ये वो अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे नहीं हो रहे ये वो जमाना था जिस जमाने में उमाल की रिवायत मिलती है कि जिसने खुदा के नबी ने फरमाया उस जमाने में वो मसीह आएगा जिसका आप लोग इंतजार करते रहे हैं हजूज उलकर में नवाब शदीक हसन खान से बोपारी लिखते हैं कि तेरहवीं सदी खत्म होने में दस साल बाकी है खुदा इस सदी के आखिर में भेज देगा वगरना अगली सदी शुरू होते ही अल्लाह ताला मसीह नबी को भेज देगा उस मसीह मऊद और महदीक को भेज देगा क्यों जब जमाना मुतयन किया गया जब बुजुर्गान इंतजार करते रहे जब बुजुर्गान ने यह बात लिख दी जब बुजुर्गान ने यह बात बयान कर दी कि अब वो जमाना करीब आ चुका है अब जलालत गुमराह बिल्कुल मुकम्मल तौर पर फैल चुकी है अब किसी मसीह की जरूरत है अब किसी तबीब की जरूरत है क्योंकि मर्द फैल चुका है जब वो तबीब आया तो मरीजों ने इनकार करना शुरू कर दिया तो आप किस मुंह से ये कहते हैं कि आज दीन हुकुम के बाद एक मसीह नबी अल्लाह की जरूरत है मसीह नबी अल्लाह तो आप भी मानते हैं वो पुराने को मानते हैं अलग बात है लेकिन मानते तो हैं जब दीन मुकम्मल हो गया तो दीन मुकम्मल होने के बाद नया आए या पुराना आए आपके नजदीक तो आ गया ना नबूत खत्म होने का मतलब क्या है मसलन अगर बंदा किसी बंदे को यह कहता है जी आपको बीमारी है तो आप आपने चावल नहीं खाने हमारे महतर मुबर साहब अल्लाह उनकी उम्र दराज करे वो हमेशा ये मिसाल दिया करते हैं वो कहते हैं कि अगर एक बंदा बीमार हो जाए और डॉक्टर्स को ये कहे कि आपने खिचड़ी नहीं खानी अगर आप खिचड़ी खाओगे तो बीमार हो जाओगे और अगले दिन वो खिचड़ी खाता है और उसके पेट में शदीद दर्द होती है और वो डॉक्टर को जाके ये कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने खिचड़ी खाई थी लेकिन नई बना के नहीं खाई पुरानी पड़ी खा ली है तो क्या डॉक्टर उसको सहना कहेगा कि यार खिचड़ी जब मना है नहीं पका के खाओ तो, तो मना है तो पुरानी खाओ तो मना है क्योंकि मना तो मना है अब नई हो जो पुरानी हो उससे दर्द तो हो गया इसलिए अगर नबूत की नफ़ी है तो नया हो जो पुराना हो नफ़ी तो नफी है में हजरत मलाम अम साहब कादानीसम ने जिस शदमत से ये बात बयान सुनाई कि अब ना नया नबी आ सकता है ना पुराना आ सकता है ये हजूर ने वहां पर बात बयान फरमाया कि इसकी तोज़े भी बयान की, की है इसकी तशरी भी बयान की हैदब में हजूर ने बयान फरमाया कि नए और पुराना मुस्तकिल तौर पर नहीं आ सकता नए और पुराना तशरी नबी नहीं आ सकता नए और पुराना इस उम्मत से हट के कोई नहीं आ सकता तो आप लोग किस चक्कर में कहते हैं कि पुराना आ सकता नया नहीं आ सकता इस आयत को जिस तनाज में जिस मुद्दा को पेश करते हुए आप बयान करते हैं उस चीज़ को सामने रखते हुए आप ना किसी नबील के कायल हो सकते हैं ना किसी नबील का इंतजार कर सकते हैं ना किसी माहदी का इंतजार कर सकते हैं ना किसी खिलाफत का इंतजार कर सकते हैं ना किसी मुजदत का इंतजार कर सकते हैं क्योंकि आपके आपके अपने अकीदे अकीदेव नमू जो दीन है वो तो हर तरह से मुकम्मल हो चुका है तो फिर बाकी चीज़ों का इकरार किए क्यों बैठे हुए हैं आप लोग बाकी चीज़ों के ऊपर ईमान रखे क्यों बैठे हुए आप लोग बाकी चीज़ों का जिन पर आप ईमान रखते हैं अगर उनका कोई इनकार करे तो आपके नजदीक वो वाफर क्यों कहलाता है आपके मसीह जो आपके नजदीक आने हैं उनका अगर कोई बंदा इनकार करे तो आपके नजदीक उसकी हैसीत काफिर की क्यों है जिस इमाम महदी का आप इंतजार कर रहे हैं अगर उस इमाम महदी का कोई इनकार करे तो आपके नजदीक उसकी काफिर की क्यों है आप भी तो अलजाम पेश करते हैं तो अगर आप पेश करें और आप पेश करने के बाद एक मसीह नबी का जो पुरानी उम्मत में है जो फौत हो चुका है उसको इस उम्मत में उतारें एक तो खत्म नबूत का इनकार करें फिर खत्म नबूत की खुद दलील दें और फिर उस दलील का खुद रद्द भी करें और फिर सवाल हम पे छोड़ें कि हमने क्यों नबील को माना है ये तो भाई ये तो अजीब बात है ये तो वो ये तो वो बात है कि दूसरों को नसीहत खुद में या फजी हमें जिस चीज से आप रोक रहे हैं हमें जिस चीज से आप समझा रहे हैं हमें जिस चीज़ से आप कुरेद रहे हैं जो आप हमें वो इल्जाम ठहरा रहे हैं वो काम तब खुद कर रहे हैं और हमसे ज्यादा शिद्दत से आप कर रहे हैं वो क्योंकि हम अल जुम अकमल तो में ये बात नहीं मानते ये, ये बात नहीं रखते कि इससे मुराद नबूवत की नफी है इससे मुराद नबूवत की हर किस्म की नफी है हम तो ये बात नहीं कहते और ये आपका नजदीक दुरुस्त है आप भी इस आयत में नबूवत की नफी नहीं मानते अगर आप इस आयत में नबूवत की नफी माने तो आप किस मुंह से कहते हैं ये सरासत मजसम श्री जिंदा आसमान से वापस आएंगे और फिर यह भी आपका एतकाद है यह भी आपका कीदा है कि वो तो नबी भी होंगे फिर किस मुंह से आप उनको नबी माने बैठे हैं किस मुंह से आप उनके मुंतजिर हैं और ये आपका अकीदा आपके बन चुका है हालांकि इसके ऊपर इजमा भी नहीं है लेकिन आपने अपने इसको इजमा समझा हुआ है और आपके कहीं आपने कहा है कि इजमा का मुनकर काफिर है और फिर इजमा की तशरी और तारीफें भी आप लोग अपनी तरह से कारदे होते हैं मतलब अगर कोई बंदा लिख दे कि इसके ऊपर इजमा हो चुका है तो किसी के लिखने से उसके ऊपर इजमा नहीं होता जब तक इजमा की दलील न दी जाए उस जमाने के तमाम उलमा का वो मौकफ ना पेश किया जाए और उनके मौत तक वो मौकफ आप ना दिखा दें उस वक्त तक आप जमा की बात बता ही नहीं सकते मैं आपको यहाँ पे चैलेंज करता हूँ मैं हमेशा चैलेंज करता हूँ मैं आज भी इनाम रखता हूँ कोई बंदा ये साबित कर दे कि किसी एक मसले पे अरकान ईमान में अर्कान इस्लाम में किसी एक मसले पे कोई बंदा दिखा दे जिस बात पे इजा है और सारा का मुतफिका ये अकीदा है कोई बंदा ऐसा दिखा दे उस बंदे को एक लाख रुपए इनाम पाकिस्तानी सिक्का रज इनाम दिया जाएगा आप तो की मिसाल मिसालें तोहीद पर जो बुनियादी इंसान जो बुनियादी इस्लाम को रुकन है बुनियादी रुकन है उसके ऊपर किसी का इजमा नहीं है उसके बाद रिसालत ले, ले किसी का बुनियादी किसी का इजमा नहीं है इस रिसालत के ऊपर ये तो कहेंगे अगर ससल्लम नबी हैं लेकिन फिर उनकी शख्सियात पर अख्तिलाफ आएगा जी वो नूर है या बशर है बल्कि गालिश है तो इससे भी निकल जाते हैं वो कहते हैं तो वह फरिश अली की तरफ लेके आनी थी वो तो गलती से नबी इसम की तरफ लेकर गया तो इजमा की बात आप किसी जगह पर जुगाड़ लगा ही नहीं सकते करते हैं बयान करते हैं, जो आप इसकी करते हैं उसके होते हुए आपकी अकीदे के मुताबिक आपकी अदे के नज़दीक भी किसी मसीह ने नहीं आना किसी महदीन नहीं आना कोई खिलाफ राय का वजूद आपके अकीदे के मुताबिक फिर नहीं आए कोई मुजद्दीन उम्मत का अकीदा नहीं है आपके नजदीक फिर दुरुस्त वो जो भी आए हैं वो मुजद नहीं है वो वैसे एक बंदे आए हैं उन्होंने ये तस्री कर दी है और ये आपका अकीदा आपके गला पड़ा हुआ है इस आयत को रखते हुए सामने अल्लाह तौल आपको समझने को तोफी दे अगर मैंने गलत बात बयान किया तो आपको ये हक पहुंचता है आपका ये फर्स्ट राइट है कि आप लाइव स्ट्रीम में आए और इसके ऊपर आके आपको जवाब पेश करने को दलील दें इनशाला खाक साहब जलील उस दलील का रद करेगा अगर मैं रद्द ना कर सका अगर मैं ना समझा सका तो आपकी बात मान लूंगा आपके अकीदे की पैरवी कर लूंगा आपकी बात को सर खम सर तस्लीम खम कर लूंगा अल्लाह तक समझने के तोफी दे आमीन हम आलिन